क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.4 आगे की 1.3 तक हमने सॉल्व कर लिए। और तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमें सॉल्व करना है जिसमें जो वैल्यू दी है हमें 3.765 जो हमें नंबर लाइन पर शो करनी है। हमें ये बताना है कि ये वैल्यू नंबर लाइन पर कहाँ शो होगी। फर्स्ट हम इसे देखते हैं कि नंबर 3 और 4 के बीच में आता है, 3 पॉइंट करके 4 से आगे नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमारा 3 और 4 के बीच में आएगा। सेकेंड स्टेप हमारी क्या है, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। आगे ऐसे ही हम और एक्यूरेट करेंगे जी 3.76 और 3.77 के बीच में है, ठीक है, और हमारा जो नंबर क्या है 3.765। अब इसे हमें शो करना है कि नंबर लाइन पे इसे हम कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें नंबर लाइन पे 3 से 4 के बीच में लिखना होगा, 3 से 4 के बीच में लिखा 3.1 3.2 कहाँ तक 3.9 और 4 तक, तो हमें वैल्यू किसके बीच में चाहिए 3.7 और 3.8 के बीच में। तो हमने ये दोनों पॉइंट को उठा के रख लिया और हमने 3.7 और 3.8 के बीच में वैल्यू चाहिए, कहाँ चाहिए 3.6 की और 3.67 और 3.77 के बीच में, ठीक है। इसके भी हमें अभी डीप जाना है, हमें वैल्यू कहाँ चाहिए 3.6765 के आगे वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से अपना उठाया 3.76 और 3.77, जी दोनों वैल्यू हमने उठाए अपने और उनके बीच की हमने वैल्यू निकालना शुरू की 3.761 3.762 कहाँ तक 3.765, हमें यही निकालनी थी और हमने अपनी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो वैल्यू हमें निकालने के लिए हमने बोला था वो हम जो वैल्यू अपनी निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जीरो वैल्यू अगर हमें इससे आगे निकालने की बोला होता हम इन दोनों के बीच की वैल्यू लेते, इसकी 3.765 3.766 इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच की वैल्यू लेके फिर हम उन्हें फर्दर ऐसे ही इंक्रीज करते तो हमें पता चल जाता कि अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, जो पूछा होता हम बता सकते हैं। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें 4.26 नंबर लाइन पे डिसाइड करना है जो अप टू 4 डेसिमल तक है, मतलब 26 का जो बार लगा हुआ है, 26 के ऊपर जो डंडी खींची हुई है इसका मतलब 2626 बार बार रिपीट होगा। ऐसे कि देखो हमने पच्चीस स्टेप में क्या किया है, वही किया है 4.26 26 मतलब 264 बार है। हमने पहले इसे देखा कि ये वैल्यू हमारे किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 पे भी कहा है 2.6 2.2 और 2.3 के बीच में, 2.6 बीच में ही तो आएगा 2.4.2.6, ठीक है, तो आप आएगा 4.2 और 4.3 के बीच में, आपको इस पर फोकस करना है। तो वैल्यू है ये हमारी इन दोनों वैल्यू के बीच में आ गई है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इससे थोड़ा और डीपली जाना है कि जो वैल्यू और कहाँ हमें जाके मिलेगी। देखो यहाँ तक तो फिर आगे की वैल्यू हमारी सेम है, देखो 262 ये हमारा सेम रहेगा दोनों में, लेकिन जो लास्ट वाली वैल्यू है ना वो हमें यहाँ से बताएगी कि हम ये वैल्यू किन किन के बीच में, यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है 26 है, ठीक है, तो ये हमारी 63 के बीच में होगी, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे देखना है कि ये वैल्यू हमारी कहाँ मिलेगी हमें। तो हम इसे नंबर लाइन पे शो करते हैं 4 से लेके 5 तक, 4.2 से लेके 4.3 तक हम इसे यहाँ से उठाएंगे और आगे के लिए हम इसे नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हम पहुँचे तो हमें एक क्लियर हुआ कि 4.2 और 4.3 के बीच की वैल्यू कहाँ पर 4.26 और 4.27 के बीच में आना है, 26 से आगे तो है 2626, तो अभी इसे हमें उठाना है और इसकी फर्दर हमें इंक्रीज करना है। तो देखो 1 2 3 हमने इसे इंक्रीज किया, देखो 2.63 ये दोनों हमें मिल गए। अब इनके बीच में हमें ऐसे भी इंक्रीज करना है, हमारी एक्यूरेट वैल्यू तो जाने की, हमने फर्दर ऐसे भी इंक्रीज करना चालू किया, ठीक है, हमने नंबर बाय नंबर सबको इंक्रीज कर रहा। अब देखो हम अपनी वैल्यू पे यहाँ पे आ गए, ये हमारी वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी जो हमने नंबर लाइन पे शो कर दी, हमें ऐसे ही वैल्यू शो करनी होगी। उससे आप एक चीज समझ सकते हो कि दो नंबर्स के बीच में लाखों संख्या हो सकती है और ज्यादा, जितनी आप सोच ही नहीं सकते उससे ज्यादा वैल्यू हो सकती है दो नंबर्स के बीच में, ऐसे इंक्रीज होती जाएंगी और वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका कोई एंड नहीं है।